जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग को पता है, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बहुत ही भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो दोनों तरफ आपको रामायण से जुड़े पर चित्र दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और रात में जब लाइट जलेगा तो और ही खूबसूरत लग रहा है। आपको बता दें कि यह चित्र इन्हें मूर्ति भी यहाँ बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर राम, सीता, भरत और हनुमान जी, और साथ ही साथ बहुत लोग को यहाँ पर मूर्ति देखने को मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आपको झोपड़ी भी यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब चलिए जहाँ पर हवन का कार्यक्रम होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी इकट्ठा कर दिया गया, विशेषकर आम की लकड़ी से ही हवन होता है। और यहाँ पर चारों तरफ फूल का लगाने काम किया जा रहा है। और हवन कुंड को पूरी तरह से सजा दिया गया, जो कि देखने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बीच में कारपेट बिछा दिया गया, और हवन से जुड़े जितनी भी सामग्री होती है हवन से, उनको वहीं पर रख दिया गया। और आपको बता दें कि कल से हवन शुरू हो जाएगा। और हवन के चारों तरफ यहाँ पर जव और फूल आपको दिखाई देगा, और बीच में यहाँ पर कारपेट दिखाई देगा, और दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया कि अनावश्यक लोग यहाँ पर बीच अंदर ना आ पाए। और जितने लोग को यहाँ पर हवन करना है, उनका आईडी पहले से बन चुका है, यानी कि 1000 लोग एक साथ यहाँ पर हवन करेंगे। और यहाँ पर लगभग काम पूरा हो चुका है। कल से प्रतिदिन 8 दिन तक यहाँ पर हवन होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं। और इनका, और आपको बता दें कि जो हवन है इनको कई भाग में बांटा गया, जैसे महर्षि वाल्मीकि, परशुराम, तो कुल मिलाकर हवन को कुछ कुछ भागों में नाम दे दिया गया है कि ऐसे ऐसे जो नाम है, खासकर रामायण से जुड़े नाम हैं, उनको यहाँ पर नाम दे दिया गया है और उसके हिसाब से बांट दिया गया है। और आपको फिर बता दें कि यहाँ पर 1008 हवन कुंड को एक साथ हवन होगा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय श्री राम।